हरे कृष्णा, मैं क्षीरोदक्षायनी सात्विक रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भटूरे का आटा किस तरीके से लगाया जाता है। हमने ये मैदा लिया है 2 कप, रवा लिया है 1/2 कप, गेहूं का आटा लिया है 1/2 कप, नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे 1 उबला हुआ आलू। ये उबला हुआ आलू डालने से हमारा जो भटूरा है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अब हम इसमें ये जो आटा लगाते हैं वो दही के साथ लगाते हैं। दही करीब 3 स्पून के करीब डालते हैं। यदि कम ज़्यादा हुआ तो हम उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि देख रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा दही कम लग रहा है, तो इसमें हम 2 टीस्पून दही और ऐड करेंगे और फिर वापस से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा कड़क लग रहा है, इस आटे को हम थोड़ा सा सॉफ्ट लगाते हैं क्योंकि इसमें जो हमने रवा डाला है वो थोड़े टाइम के बाद में फूलता है। इसका आटा एकदम सॉफ्ट लगाना चाहिए ताकि हमारे भटूरे जो हैं वो एकदम सॉफ्ट बने। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो आटा हमने लगाया थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन ये हाथ से चिपक रहा है, तो इसको स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे और इस आटे को हम 4-5 घंटे के लिए रखेंगे तो भटूरे बहुत स्मूथ होते हैं। नहीं तो देखिए, ये हाथ से चिपक रहा है ना, तेल लगाने के बाद में इसमें वो थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाती है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये आटा तैयार है। हम इस आटे को 4-5 घंटे के लिए ऐसा ही रख देंगे। अभी हमने ये जो छोले हैं वो रात को भिगा कर रख दिए थे और सुबह में हमने थोड़ा सा नमक डालकर और 1 चुटकी भर खाने का सोडा डालकर इसको 6 सीटी से बॉईल कर लिया था। अभी हम छोले कैसे बनाते हैं इसके बताएंगे। हम एक पैन लेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अभी हमारा तेल तैयार हो गया, गरम हो गया। हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा करी पत्ता, 3-4 छोटी इलायची और 4-5 लवंग। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, फ्लेम को थोड़ा तेज ही रखेंगे, थोड़ी सी अदरक, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको, हरी मिर्ची कटी हुई, यदि आपके बच्चे खाते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमने अनारदाना रखा है, इसको अभी थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा जब ये बनने आ जाएगा उस समय डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर करीब 1 टीस्पून जितना, ये हमने करीब 4-5 टमाटर की ग्रेवी बना के रखी थी वो हम डाल देंगे।
अब करीब 2 टेबल स्पून या आप कितना तीखा खाते हैं उसके जितना आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी देखिए जब तक हमारी ये प्यूरी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको एक जगन्नाथ भगवान की स्टोरी सुनाती हूँ। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ एक भगवान कृष्ण का ही नाम है। जो 4 धाम हैं उन धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में आज भी लक्ष्मी देवी वहाँ पर भगवान के लिए भोग बनाती हैं। वहाँ का जो रसोई है वो 100 बाय 150 फीट का है। वहाँ पर टोटल 600 रसोई काम करते हैं, उनके साथ में 400 हेल्पर भी होते हैं। वहाँ पे जो हम जैसे देखते हैं कि अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी देवी वहाँ पर स्वयं वो लक्ष्मी को लक्ष्मी जी अपनी कृपा से उस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। वहाँ पे जो प्रसाद बनाया जाता है हमारे जैसे बर्तनों में नहीं बनाकर मिट्टी के पात्रों में बनाया जाता है, और वो मिट्टी के पात्र एक साथ में 5 रखे जाते हैं। विशेषता यहाँ की यह है कि जो मिट्टी का 5वां पात्र होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है। आप देख रहे हैं कि इसको चलाने के लिए मैं बार बार इसको देख रही हूँ कि ये जल ना जाए, लेकिन जब लक्ष्मी जी वो प्रसाद बनाती हैं तो वहाँ पर ना तो वो चलाती हैं ना वो ग्रेवी बनाती हैं, सीधा सब सामान डालकर उसको पकने के लिए रख दे देती हैं। और वो जो स्वाद आता है प्रसाद में, क्योंकि हम कई बार वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जो प्रसाद वो लोग देते हैं वो इतना स्वाद वाला होता है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकती। ये तो आपको वहाँ जाकर खाकर स्वाद लेना होगा उसका। साथ ही साथ लक्ष्मी जी हमको यहाँ पर एक बात बताती हैं कि जैसा आपका भाव है, जिस भाव से आप भगवान को भोग बनाएंगे उतना ही स्वाद भगवान के अंदर आता है। और जो हम भोग बनाते हैं भगवान को अर्पित करके, हमारे बच्चों को खिलाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, जो भाव से हम प्रसाद को बनाते हैं वो भाव हमारे उस अन्न के अंदर आते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी जब रथ यात्रा होती है तो भगवान उनको छोड़कर गुंडीचा माता के पास चले जाते हैं। लक्ष्मी जी भगवान बीमार हैं करके वो रसोई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, तो देखा जाता है कि उन दिनों में जो रसोई बनती है उसमें उतना स्वाद नहीं होता। साथ ही साथ हम जब ये भोग बनाते हैं, हमारे बच्चों को घर पे कुछ खाने के लिए बनाते हैं, तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए, शुद्धता के साथ बनाना चाहिए, ताकि हम जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में हमारे जो विचार हैं उनका प्रवेश होता है। तो मेरा तो एक ही अनुभव रहा है कि जिस तरीके के भाव से हम ये प्रसाद को तैयार करते हैं वैसे ही विचार हमारे बच्चों में आते हैं। लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो उसके खाने का स्वाद बदल जाता है। यदि वो अशुद्धता से बना हुआ प्रसाद, कभी कभी लक्ष्मी जी माता को लगता है कि ये प्रसाद भगवान को लगाने लायक नहीं है, तो देखा गया जगन्नाथपुरी में वैसे कोई कुत्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन उस टाइम पर कोई कुत्ता यदि इस प्रांगण में दिखाई दे गया तो वो बनाया हुआ प्रसाद भगवान को अर्पित नहीं होता, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और फिर वापस से भगवान को भोग बनाया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी ये ग्रेवी ऑलमोस्ट होने को आई है, तो ये जो बचा हुआ हमारे पास अनारदाना था उसको भी डाल देते हैं। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना है आपको। थोड़ा सा स्वाद के लिए इसमें हम काला नमक डाल सकते हैं, करीब 1/2 टीस्पून, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा ब्लैक मिरी पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून जितना। अभी हमारे छोले उबाल के तैयार थे, हम इसको डाल देंगे इसके अंदर।
आपको मैंने बताया जैसे कि रात को मैंने छोले भिगो दिए थे और सुबह में इसको थोड़ा सा एक टीस्पून या नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच के करीब मैंने टीस्पून जो था अपना वो सोडा डाला था उसमें और 6 सीटी दे के इसको बॉईल कर लिया था। अभी ऑलमोस्ट हमारे ये छोले बनने को आ गए हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसमें रसा आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, कुछ लोग इसको सूखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा कम रसे का और कुछ लोग ज़्यादा रसे का। मैं इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा ना सूखा और ना बहुत ज़्यादा रस रख रही हूँ। अब हम इसमें छोले का मसाला डालेंगे, करीब 4-5 चम्मच, ये टीस्पून के जितना है। और यदि आप तीखा कम ज़्यादा करना चाहें कम मसाले का तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जो इसमें थोड़ा स्वाद देते हैं, साथ ही साथ हमने ये जो ग्रेवी बनाई है उसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाती है इसको डालने से। अभी ये जो इमली मैंने भिगा के रखी थी इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अब हम इसको बॉईल करने के लिए करीब जितनी देर आप इसको बॉईल कर सकते हैं, मैं जब प्राय घर में बनाती हूँ जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो मैं 1-1.5 घंटे तक भी इसको सिम गैस पर बॉईल होने देती हूँ। जितना ये छोले बॉईल होते हैं उससे उतना स्वाद उसका बढ़ जाता है, लेकिन चूँकि अभी हम इसको 1/2 घंटे तक भी बॉईल करने के लिए रखेंगे सिम गैस पर और फिर ग्रेवी आपका जब लगता है आपको कि हो गया तो आप इसको, ये हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। अभी हमारे ये जो छोले थे वो ऑलमोस्ट बन गए हैं तो अभी हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हम भटूरे बनाने के लिए। हमने ये जो आटा लगाया था वो देखिए फूल कर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब मैं एक पैन में तेल डालकर गरम करने के लिए रख देती हूँ। ये जो भटूरे हैं वो डीप फ्राई होंगे। इसका ये जो आटा है वो ऑलमोस्ट तैयार है, आप इसको छोटा या बड़ा जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसको हाथ से भी बेला जाता है, यदि आप हाथ से बेल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेलन का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा तेल हो गया है, हम इसमें ये बनाया हुआ भटूरा डालेंगे। ये ऐसा ब्राउन किया हुआ थोड़ा सा रहता है। ये भटूरे की खासियत ये है कि इसको बस बना और गरम गरम खाएंगे तो इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे भटूरे तैयार हैं। अब हम ये जो छोले हमारे बन गए हैं इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम तैयार कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी के लिए। छोले हैं उनको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमने इसमें ये जो मीठी चटनी बनाई थी वो थोड़ा सा डालेंगे। आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, इसके डालने से थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद आता है, यदि आपको ये पसंद है तो ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये हमने जो हरी चटनी बनाई है वो भी थोड़ा सा डालेंगे।
इसको अभी मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, आप इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। दोनों चटनियाँ पतली की जा सकती है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये हरा धनिया। अब हमारे ये जो छोले तैयार हो गए हैं, हमने इसको धनिया से सजा दिया था, अब हम ले चल रहे हैं इनको ठाकुर जी की तरफ। तो इस पे हम डालेंगे तुलसी का पत्ता। देखते रहिए सात्विक रसोई, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हरे कृष्णा। भटूरे का आटा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, सूजी आधा कप, गेहूं का आटा आधा कप, नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, किसा हुआ आलू 1, दही 5 छोटा चम्मच, पानी और तेल। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 3 से 4 बड़े चम्मच, तेजपत्ता 2, बड़ी इलायची 2, कड़ी पत्ता 5 से 6, छोटी इलायची 3 से 4, लौंग 4 से 5, हींग 1/4 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, कटा हुआ अदरक 1 छोटा चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 1.5 छोटा चम्मच, सूखे हुए अनार के दाने आधा कप, टमाटर की प्यूरी 4 टमाटर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक आधा छोटा चम्मच, काली मिरी पाउडर आधा छोटा चम्मच, रात भर भिगोए हुए चने, पानी, छोले मसाला 4 से 5 छोटा चम्मच, उबले हुए आलू 2, इमली आधा कप। गार्निश के लिए मीठी चटनी, हरी चटनी और धनिया पत्ता। भटूरे बनाने के लिए 1 बाउल में मैदा, सूजी, गेहूं का आटा, नमक, बेकिंग सोडा, उबले हुए आलू और दही डालकर उसका नरम आटा गूंथ लें। फिर उसमें तेल डालें जिससे आटा हाथ पे चिपके ना। अब आटा का छोटा हिस्सा लेकर उसमें थोड़ा तेल लगाकर उसे गोल आकार में बेल ले और गरम तेल में फ्राई कर ले। छोले बनाने के लिए 1 पैन में तेल गरम करें, उसमें तेजपत्ता, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, हींग, जीरा, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, सूखे अनार के दाने, टमाटर की प्यूरी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से पकने दें। अब इसमें नमक, काला नमक, काली मिरी पाउडर, उबले हुए चने, पानी, छोले मसाला, उबले हुए आलू और इमली डालकर अच्छे से मिलाएं और पकने दें। तैयार हो जाने पर ग्रेवी को 1 बाउल में निकाल लें और मीठी चटनी, हरी चटनी और धनिया पत्ता डालकर गार्निश करें और भटूरे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। हमारा छोले भटूरे तैयार है। यदि पसंद आए आपको छोले भटूरे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।